न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल की ऐसी क्लास है जो प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है तथा यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, 5 कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षार तथा फॉस्फेट ग्रुप। 5 कार्बन शर्करा जो डीएनए में प्रेजेंट होती है उसे हम डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। न्यूक्लियोटाइड आयन आपस में डाइहाइड्रेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और इनमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन न्यूक्लियोटाइड की फर्स्ट शुगर्स तथा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के मध्य होती है। इस प्रक्रम में शुगर फॉस्फेट डीएनए की बैकबोन बनाती हैं। डीएनए में 2 स्ट्रैंड राइट हैंडेड हेलिक्स में व्यवस्थित होते हैं। यह स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होती है। दोनों स्ट्रैंड को हाइड्रोजन बॉन्ड एक साथ जोड़ती है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ती है तथा एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। इस प्रकार की बॉन्डिंग में इस प्रकार की बॉन्डिंग डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री गुण लाती है। यह डीएनए रेप्लिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आरएनए डीएनए से राइबोस शुगर तथा नाइट्रोजन बेस में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होने के कारण अलग होती है। आरएनए सामान्य तौर पर सिंगल स्ट्रैंड होता है तथा इसकी वजह से ये डीएनए से कम स्थाई भी होता है। सभी न्यूक्लिक एसिड सेल में इंफॉर्मेशन प्रोसेस में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि एटीपी न्यूक्लियोटाइड है परंतु यह सेल को एनर्जी देने का कार्य नहीं करता है। एटीपी एडेनिन राइबोस शर्करा से आरएनए की तरह जुड़ती है। फॉस्फेट ग्रुप आपस में उच्च ऊर्जा बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यह मॉलिक्यूल सेल में टेम्परेरी बैटरी की तरह कार्य करते हैं।